हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रूपाबंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मटर की पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटर ले लिया और ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आधा का टुकड़ा लिया और 4 मिर्चाई लिए। तो मटर को छोड़ा लेंगे और एक साथ ये सारे चीज़ें पीस लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले छोड़ा लेते फटाफट, वीडियो को ज़्यादा बात ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छे लगे मेरे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पीस के मटर को। तो देखिए, मैंने एक गमला में यहाँ पर आटा निकाल लिया, उसके बाद पीसे हुए मटर को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद धनिया के पत्ते, अजवाइन, हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्चाई पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद थोड़ा सा मैंने लास्ट में गरम मसाला में दे रही हूँ। उसके बाद तेल दे देती हूँ, उस सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लूँगी। सारे चीज़ें अच्छी तरह से मिला ली हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी देकर आटा तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से सान लेंगे आटा को, नरम सानेंगे बिल्कुल। तो आटे को अच्छी तरह से सान लिए हैं, लोई बना लेते हैं बिल्कुल छोटे छोटे लोई बनाएंगे। उसके बाद बेल लेंगे, उसके बाद बेल लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ बिल्कुल, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल इसी तरह से हमें बेल लेना है। उसके बाद हमारा तेल इधर गर्म है, तेल में हम डायरेक्ट दे देते हैं। अच्छी तरह से हिला कर इसे हम देखिए, मैंने सारा पूरी बना लिया है। इसी तरह बहुत ही अच्छा नरम बना है। और आज के वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ले